Extrusion cooking is a modern HTST cooking process, thermomechanical process in which heat transfer, mass transfer, pressure changes and shear are combined to produce effects such as cooking, sterilization, drying, melting, shaping, cooling. So during this extrusion process जो है वो हम इसकी जो है वो product की cooking भी करते हैं, जिसके अंदर HTST का हम इस्तेमाल करते हैं, हमने पढ़ा था last two lectures में. और थर्मोमैकेनिकल प्रोसेस है क्योंकि इसके अंदर शेयर अप्लाई होता है, फोर्स अप्लाई होती है, इसमें थर्म जो है वो हम हीट भी अप्लाई करते हैं हॉट एक्सट्रूजन में. तो जो है इसमें मास एंड ट्रांसफर जो आपने कुछ अपने प्रीवियस जो है वो कोर्सेज में हीट ट्रांसफर थ्योरी पढ़ी होगी जो फूड में अप्लाई होती है, तो इसके अंदर जो है वो हम मल्टीपल जो है वो फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं. आपने नीचे देखा कुकिंग, स्टेरिलाइजेशन, ड्राइंग, मेल्टिंग, शेपिंग, कूलिंग. It is an important food process in the manufacture of pasta, ready-to-eat cereals, snacks, pet foods. So, extrusion cooking के जो है वो हमने पढ़ा, इसकी जो important जो इसके अंदर जो हैं वो principles follow होते हैं वो HTST, thermomechanical process, heat transfer, mass transfer, pressure changes and shear force are applied. The food material is heated either by external heat source or by heat produced through dies. Extruder is used to produce extrudate of different shapes by forcing a specifically designed opening after a previous heating of the material. तो ये हमने basically इसके सारे जो हैं वो principles पढ़े, हमने इसके steps पढ़े कि कौन कौन से जो है वो extrusion cooking में, extrusion technology में involved होते हैं. ये साइड पे भी एक जो है वो फ्लो चार्ट्स पे दिखाए गए हैं जिसमें हम टेक्सचराइजिंग करते हैं, कुकिंग, फॉर्मिंग, ड्राइंग, कूलिंग, मिक्सिंग, पफिंग, प्लास्टिसाइजिंग. तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो हैं ये आपको याद होने चाहिए जो जो हम एक्सट्रूजन से परफॉर्म करते हैं. देन इज द प्रोडक्शन टेक्निक ऑफ एक्सट्रूजन, कौन कौन से जो हैं वो इसमें टेक्निक्स जो हैं वो हम इसके बारे में भी लास्ट टू लेक्चर्स में भी हमने इसके बारे में डिटेल से देखा. रॉ मटेरियल आर फेड इनटू द एक्सट्रूडर बैरल एंड द स्क्रूज देन कन्वे द फूड अलोंग इट. फर्दर डाउन द बैरल स्मॉल फ्लाइट्स रिस्ट्रिक्ट द वॉल्यूम एंड इंक्रीज द रेजिस्टेंस. एज अ रिजल्ट इट फिल्स द बैरल एंड द स्पेस बिटवीन the screw flights and become compressed. तो इसके अंदर जो है वो हमने पढ़ा था कि जो फीडिंग सेक्शन से हम स्टार्ट करते हैं उसका जो हम सप्लाई करना मटेरियल, उसके बाद जो वो प्रोडक्ट है हमारा वो आगे कंप्रेशन सेक्शन की तरफ जाता है जहां उस पे फोर्स सप्लाई होती है, जहां डिफरेंट स्क्रूज और बैरल्स जो हैं वो उसको फूड को जो है वो फिल करते हैं और वो उसको आगे कुकिंग सेक्शन में या उसको आगे जो हमने HTST ट्रीटमेंट अप्लाई करनी है उससे गुजार के उसको जो है वो आगे ड्राइव करते हैं. As it moves further along the barrel, the screw needs the material into a semi-solid plasticized mass. तो जैसे जैसे वो प्रोडक्ट हमारा बैरल से गुजरता था, स्क्रूज जो हैं वो उस और बैरल जो हैं वो उसको फिल करते हैं और उसके बाद उस पर फोर्स अप्लाई करके उसको सेमी सॉलिड टाइप प्लास्टिसाइड मास में कन्वर्ट करते हैं. It is forced through one or more restricted opening dies at the discharge end of the barrel. As the food emerges under pressure from the die, it expands to the final shape and cools rapidly as moisture is flashed off as steam. तो फिर जो है वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा जब हम फोर्स अप्लाई करके उसको डाई की तरफ आगे मूव करते हैं तो हमारे मुख्तलिफ जो है वो हमारी डिजायर के मुताबिक हमने वहाँ डाइज मॉडिफाई की होती हैं, जिसके जब वो वहां से गुजरता है तो प्रेशर के साथ जो है वो प्रोडक्ट को एक्सपेंड कर देता है और फाइनली जो है वो उसको वो कूल करता है जिससे उसकी मॉइस्चर जो है वो रिलीज हो जाता है. देन वी विल सी अ वीडियो, अ शॉर्ट क्लिप अबाउट हाउ इन इंडस्ट्री द एक्सट्रूजन प्रोसेस वर्क्स.
तो ये हमने स्टार्ट से देखा कि जो फीडिंग सेक्शन से वो हमारा मटेरियल जो है वो फीडिंग सेक्शन से वो गुजरता है, तो उसके बाद वो पूरा प्रोसेस से गुजर के एंड से हमें जिस तरह की हमने उसको मोल्ड या डाई सेट किया हुआ है, जिस तरह ये हमारे पास कुछ स्नैक्स हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ जो को प्रोडक्ट हमारे पास आई है, तो एंड के ऊपर हमारे पास कन्वेयर बेल्ट के अंदर वो प्रोसेस होके आ जाती है। तो हम इसमें मुख्तलिफ जो है वो ट्रीटमेंट्स भी अप्लाई करते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव लर्नड अबाउट द क्लासिफिकेशन। हमने इसकी क्लासिफिकेशन जो पढ़ी थी, एक्सट्रूडर्स जो हैं वो बेस्ड ऑन ऑपरेशन और बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। सो बेस्ड ऑन ऑपरेशन वी हैव लर्नड अबाउट द हॉट एक्सट्रूडर्स, कोल्ड एक्सट्रूडर्स एंड द बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन वी हैव लर्नड अबाउट द सिंगल स्क्रू, ट्विन स्क्रू एंड ट्विन स्क्रू आर फर्दर देन काउंटर रोटेटिंग एंड को रोटेटिंग। इसके अलावा हमने एक और भी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी जिसको हमने उसकी एक्सटेंट ऑफ शीयर से जो है वो क्लासिफाई किया था, जिसके अंदर जैसे जैसे हम उसमें शीयर जो है वो उसको अप्लाई करते हैं, हाई शीयर होगा या मॉडरेट होगा, तो उस हिसाब से भी हम इसको क्लासिफाई करते हैं। कोल्ड एक्सट्रूजन वी हैव लर्नड अबाउट इट, कोल्ड एक्सट्रूजन इज डन एट रूम टेम्परेचर और नियर रूम टेम्परेचर। द एडवांटेजेस ऑफ दिस ओवर हॉट एक्सट्रूजन आर द लैक ऑफ ऑक्सीडेशन, हायर स्ट्रेंथ ड्यू टू कोल्ड वर्किंग, closer tolerance, good surface finish and fast extrusion speeds if the material is subject to hot shortness. तो इसके बारे में हमने पढ़ा था कि जब जो भी हमारे पास जो extrusion होगी वो thermal temperature से जो बहुत less होगा या room temperature के near होगा, तो हम उसके अंदर जो है वो cold extrusion हम उसको जो है वो classify करेंगे। और इसका जो advantage है वो इसके अंदर जब heat की involvement जो है वो बहुत कम होती है या ना होने के बराबर है, तो इसके अंदर हमारे पास जो फूड है वो हमारे पास फ्रेश फॉर्म में रहता है, उसके न्यूट्रिएंट्स भी लॉस नहीं होते, उसमें जो है वो लैक ऑफ ऑक्सीडेशन होगी। इन फूड प्रोसेसिंग इट इज यूज्ड मेनली फॉर प्रोड्यूसिंग पास्ता, द प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड विदाउट कुकिंग और डिस्टॉर्शन ऑफ फूड। हॉट एक्सट्रूजन इज अ हॉट वर्किंग प्रोसेस व्हिच मींस इट इज डन अबव द मटेरियल रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर टू कीप द मटेरियल फ्रॉम वर्किंग हार्डनिंग and to make it easier to push the material through the die. तो hot extrusion के बारे में हमने पढ़ा था कि जब भी जो material crystallization temperature से ज़्यादा हम उसको heat देंगे या 100 degree centigrade से ज़्यादा जब हम उसको product को heat करते हैं, तो वो hot extrusion हम उसको classify करते हैं। Most hot extruders are done on horizontal hydraulic presses that ranges from 230 to 11,000 metric tons. Pressure ranges from 30 to 700 MPa. Therefore, lubrication is required, which can be oil or graphite for lower temperature extrusions or glass powder for higher temperature extrusions. तो इसके अंदर जो है वो हमने पढ़ा था कि HTST technique जो है वो use होती है high temperature for short time, और हम मुख्तलिफ जो है वो temperatures जो है वो हम इसके use कर सकते हैं short time के लिए, और इसमें pressure का भी involvement होता है, जिसमें हमने ranges इसकी देखी कि 30 to 700 megapascal हम इसमें temperature जो है वो हम इसमें vary कर सकते हैं। The biggest disadvantage of this process is its cost for machinery and its upkeep. क्योंकि इसके अंदर जो है वो HTST की involvement है, तो इसकी जो है वो cost जो है वो as compared to cold extrusion वो ज़्यादा है। हमें इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमें इसकी maintenance करनी पड़ती है, और इसके अंदर कुछ complications भी आ सकती हैं। Then we will see another video of extrusion process, कैसे जो है ये industry के अंदर जो है वो carry out होता है।
जी आपने इसमें देखा कि कैसे जो है वो इसकी आप डाई की एफिशिएंसी देखें कि वो सेकंड्स के अंदर जो है वो हमें जो है वो हमारी प्रोडक्टिविटी दे रही है, और हम इसको जो है वो चेंज भी कर सकते हैं हमारी जो मतलब आउटकम है जो हमारी। और यहाँ ये जो आपने डाई से प्रोडक्ट आप देख रहे हैं इसकी कितनी ज़्यादा इसकी एफिशिएंसी है, जो सेकंड्स के अंदर जो है वो इसने हमारी हमें प्रोडक्ट्स जो है वो हमारी बना के दी हैं। और यहाँ इसने ये भी बताया कि मॉइस्चर के बारे में जो है, हाफ ऑफ द मॉइस्चर टर्न इंटू स्टीम, क्योंकि उसके अंदर जब वो हमारे पास टेम्परेचर का इन्वॉल्वमेंट होता है तो जाहिर बात है कि प्रोडक्ट का जो है वो मॉइस्चर जो है वो लॉस हमें देखने को मिलता है। देन वी हैव लर्न्ड अबाउट द सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर। सिंगल स्क्रू जैसे कि उसके नाम से था कि उसके अंदर जो है वो एक स्क्रू की इन्वॉल्वमेंट होती है। द मोस्ट कॉमन एक्सट्रूडर्स अप्लाइड इन द फूड इंडस्ट्री। द बैरल्स ऑफ सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर्स यूजुअली हैव हेलिकल और एक्सियल ग्रूव्स ऑन इनर सर्फेसिस। दिस हेल्प्स टू कन्वे एंड मिक्स द मटीरियल मोर इफेक्टिवली। द फर्स्ट मेजर कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वाज कन्वर्जन ऑफ सेमोलिना फ्लोर इनटू पास्ता यूजिंग सॉलिड स्क्रूज। तो इसके बारे में जो है वो हमने जो है वो पढ़ा था, और हम अगले लेक्चर्स में भी कुछ डिटेल से जो है वो हम इसको देखेंगे। तो इसके अंदर जो है वो आपने इसका प्रिंसिपल जो है वो आपने देखना है, जो इसका फीडिंग सेक्शन, कंप्रेशन सेक्शन और इसमें जो स्क्रू की इन्वॉल्वमेंट है। देन वी हैव लर्न अबाउट द ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर्स। द टर्म ट्विन स्क्रू अप्लाइज टू एक्सट्रूडर्स विद टू स्क्रूज ऑफ इक्वल लेंथ। तो इसके अंदर जैसे नाम से था कि दो स्क्रूज की इन्वॉल्वमेंट है, तो हम दो स्क्रूज को जो है वो हम इसके अंदर जो है इंस्टॉल कर देते हैं बैरल में, और जो फूड है वो उसके दरमियान मैश होता है। हमें इसमें कम फोर्स लगानी पड़ती है एज कम्पेयर टू सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर्स, और जो है वो हमारा प्रोडक्ट जो है वो इस तरह आगे डाई की तरफ ड्राइव करता है। मोर कॉम्प्लिकेटेड देन सिंगल स्क्रू बट एट द सेम टाइम प्रोवाइड मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड बेटर कंट्रोल। क्योंकि इसमें अब दो स्क्रू की इन्वॉल्वमेंट है, तो हमने पढ़ा था कि इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, कुछ लुब्रिकेशंस के इश्यूज हमारे पास आते हैं, और कुछ फूड के अंदर भी हमने देखने को मिला था कि हमारे पास कुछ जो है वो क्वालिटी जो है वो इसमें हमें लॉस होती है, क्योंकि इसमें जो है वो दो स्क्रूज होते हैं और हम हर तरह के फूड को जो है वो इसके अंदर नहीं प्रोसेस कर सकते। एप्लीकेशंस प्रोसेसिंग प्लास्टिक्स, फूड पैकेजिंग, फूड प्रोसेसिंग, स्टिकी कैरेमल्स एंड कैंडीज। देन वी हैव द रॉ मटेरियल यूज्ड। हम कौन कौन से जो हैं वो जो रॉ मटेरियल्स हैं हम उनको इजीली जो है वो प्रोसेस करते हैं एक्सट्रूजन टेक्नोलॉजीज से। द मोस्टली यूज्ड रॉ मटेरियल आर स्टार्च एंड प्रोटीन बेस्ड एंड आर यूज्ड इन सॉलिड फॉर्म। मोस्ट प्रोडक्ट्स सच एज ब्रेकफास्ट सीरियल, स्नैक्स, पास्ता, नूडल्स एंड स्टार्च लाइक वी हैव डिफरेंट आइटम्स, प्रोटीन बेस्ड मीट लाइक करेक्टरिस्टिक लाइक सोयाबीन। देन इज व्हाट अबाउट द फिजियोकेमिकल चेंजेस ड्यूरिंग एक्सट्रूशन। तो ड्यूरिंग एक्सट्रूशन जो है वो हमारे पास क्या क्या जो है वो चेंजेस आ सकती हैं हमारे उस प्रोसेस, हमारे उस प्रोडक्ट में जिसको हम मटेरियल को जिसको हम जो है वो प्रोसेस कर रहे हैं एक्सट्रूजन से। सबसे पहले जो है वो चेंजेस इन स्टार्च। एट रिलेटिवली हाई टेम्परेचर द स्टार्च ग्रेन्यूल्स मेल्ट एंड बिकम कंप्रेस्ड टू अ फ्लैटेंड फॉर्म। हीट एंड द एक्शन ऑफ शियर डिस्ट्रॉय द ऑर्गेनाइज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑल्सो रिजल्टिंग इन मॉलिक्यूलर हाइड्रोलाइसिस ऑफ द मटीरियल। तो इसके अंदर जो है वो जैसे जैसे वो टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होता जाता है, तो हमने देखा कि हमारी स्टार्च की जेलेटिनाइजेशन होती है। हीट एंड द एक्शन ऑफ शियर डिस्ट्रॉय द ऑर्गेनाइज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो जैसे ही वो उसके अंदर हाई टेम्परेचर की इन्वॉल्वमेंट आती है या हाई हम उसमें फोर्स लगाते हैं, तो जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है जो हम देखते हैं, जो हमारे स्टार्च का भी स्ट्रक्चर है, वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। डिस्पर्स्ड एंड डीग्रेडेड टू फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस फ्लूइड। द स्टार्च पॉलीमर बिकम्स ग्लासी एज मॉइस्चर इज रिमूव फॉर्मिंग अ हार्ड ब्रिटल टेक्सचर। तो जैसे ही वो हमारे पास मॉइस्चर जो है वो हम देखते हैं कि हाई टेम्परेचर से वो हमारा जो है वो रिमूव होता है, तो हमारा स्टार्च का जो स्ट्रक्चर है वो लिटिल बिट हमें हार्ड ब्रिटल टेक्सचर देखने को मिलता है। चेंजेस इन प्रोटीन। प्रोटीन आर मोर रिएक्टिव एंड अंडरगो मैनी चेंजेस ड्यूरिंग द एक्सट्रूजन प्रोसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग डीनेचुरेशन। तो प्रोटीन में जो है वो हमें डीनेचुरेशन देखने को मिलती है जैसे ही वो टेम्परेचर हम उसमें अप्लाई करते हैं। ड्यूरिंग एक्सट्रूजन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड मे रीफॉर्म। तो जो है उसके अंदर हमारे पास क्योंकि मुख्तलिफ अमाइनो एसिड की सीक्वेंस होती है, तो एक्सट्रूजन के अंदर जो है वो मुख्तलिफ जो है वो हमने देखा कि हमारे पास जो है वो बॉन्ड्स की जो है वो ब्रेकेज होती है, और वो दोबारा भी जो है वो फॉर्म हो सकती हैं अगर वो किसी और जो है वो हमारे पास किसी और जो है वो कंपाउंड के साथ जाके मिलते हैं। हाई मोलिकुलर वेट प्रोटीन कैन डिसोसिएट इन टू स्मॉलर सब यूनिट्स।
तो हमने पेप्टाइड्स के बारे में भी जो है वो हमें पता है कि वो सेंसिटिव टू हीट होती हैं। तो जैसे जैसे वो टेम्परेचर उसका बढ़ता है हमारे एक्सट्रूजन प्रोसेस में, तो जो हाई मॉलिक्यूलर जो प्रोटीन या पेप्टाइड्स हैं वो स्मॉलर मॉलिक्यूलर पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। एंजाइम्स लूज देयर एक्टिविटी आफ्टर बीइंग सबमिटेड टू हाई टेम्परेचर्स एंड शियर। एंजाइम्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा जो हैं वो सेंसिटिव हैं, हमने हमें पता है इस बारे में। तो एक्सट्रूजन प्रोसेस जो है वो उस पर भी जो है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। चेंजेस इन लिपिड्स, तो लिपिड्स जो है वो हमें पता है कि वो एक्ट एज अ लुब्रिकेंट भी करते हैं। दे रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इन द मिक्स एंड ऑल्सो बिटवीन द स्क्रू एंड द बैरल। कुछ फूड के अंदर जो है वो फैटी फूड जैसे हैं तो उनके अंदर भी लिपिड्स मौजूद होते हैं, तो वो एक्ट करते हैं एज अ लुब्रिकेंट ड्यूरिंग दिस एक्सट्रूजन प्रोसेस, और वो फैसिलिटेट करते हैं जब वो मटीरियल आगे मूव करता है स्क्रू और बैरल में से। एंटी न्यूट्रिएंट्स, एक्सट्रूजन कुकिंग डिस्ट्रॉयज मैनी नेचुरल टॉक्सिन्स एंड एंटी न्यूट्रिएंट्स, देयर बाय इंप्रूविंग सेफ्टी ऑफ द फूड प्रोडक्ट। कंपाउंड सच एज एलर्जेंस एंड माइक्रोटॉक्सिन्स आर ससेप्टेबल टू एक्सट्रूजन इन कॉम्बिनेशन विद केमिकल ट्रीटमेंट्स। तो एक्सट्रूजन जो है वो हम उसका एक और भी जो है वो हमने देखा कि चेंजेस आती हैं फूड में, जो उसके कुछ टॉक्सिन्स होते हैं हमारे पास वो भी रिमूव होते हैं। तो हम इसका ये भी एडवांटेज ले सकते हैं इस टेक्नोलॉजी का, कुछ एलर्जेंस एंड माइक्रोटॉक्सिन्स जो हैं आर ससेप्टेबल टू एक्सट्रूजन इन कॉम्बिनेशन विद केमिकल ट्रीटमेंट्स। तो फिर वो हमने देखा कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो सेंसिटिव होते हैं इस टेक्निक से, तो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज जो हैं वो इसका एक्सट्रूजन का इस्तेमाल इस लिहाज से भी करती हैं। Okay, thank you very much. This is for the lecture.